किसी भी माशरे में इल्म हासिल करना हर बच्चे का बुनियादी हक है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर चुलिस्तान में मोबाइल स्कूल बनाए गए हैं, जो कि यहाँ के बच्चों को तालीम की रोशनी दे रहे हैं। यहाँ पर भी एक स्कूल है जहाँ पर हम लोग आए हुए थे, तो यहाँ पर चल के देखते हैं कि यहाँ पर स्कूल की सूरत हाल क्या है। बहुत भरपूर सूरज निकला है, लेकिन हल्के हल्के बादल हैं, जिसकी वजह से मौसम बहुत खुशगवार हो गया है और दिन अच्छा है। इस वक्त टेम्परेचर यहाँ पर है तकरीबन 25 या 26 के राउंड अबाउट, और यहाँ पर एक स्कूल है जी। और ये देखें, ये बच्चे आए हुए हैं पढ़ने के लिए। अभी यहाँ पर इनकी क्लास होगी और आपसे बात भी इनकी कराते हैं, और यहाँ पर जो उस्ताद मोहतरम हैं उनसे भी बात करते हैं। लेकिन ये स्कूल की कंडीशन देखें आप, कि हमारे शहरों में भी स्कूल हैं, लेकिन यहाँ का जो स्कूल है बच्चों का वो इस तरह का है। और देखें कि खुद ही सेल्फ सर्विस के तौर पर उस्ताद मोहतरम यहाँ पर उनको अकोमोडेट कर रहे हैं। स्कूल की जो सहूलियात हैं वो भी यहाँ पर अच्छी तरह से मुयस्सर नहीं है। ये स्कूल का गेट अभी ओपन हो रहा है, उस्ताद मोहतरम इसको ओपन कर रहे हैं। और ये बच्चों को बहुत ही प्यार और मोहब्बत से सुबह उनको अपना कन्वेंस करके लाए हैं घर से कि टाइम हो गया स्कूल का। और ये देखें माशाल्लाह उनकी मोहब्बत देखें अपने स्टूडेंट के साथ और बच्चों के साथ। वेरी गुड माशाल्लाह जी। क्या वर्ड है बेटे? عليكم عليكم حجات حجات الا الذين الا الذين ظلموا ظلموا منهم منهم فلا فلا تخشوهم 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 واخشوني واخشوني ولأتم ولأتم نعمتي نعمتي عليكم عليكم ما شاء الله کلاس جاری ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ کتنے شوق سے بچے یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور محنت سے استاد صاحب ان کو تعلیم دے رہے ہیں ਸਕੂਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਹੈ ਇਮਾਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਾਂ ਕੋ ਮਿਲੀ ਥਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਕੋ ਝੋਪੜਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਪਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਥਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਣ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਪੜਨ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅਸਾਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨੇ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਥਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਜੀ ਆ ਜੀ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਕਮਰੇ ਦੀ ਇਥਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਦੇਣੀ ਹੈ उसके लिए आपको उसकी एक बिल्डिंग प्रॉपर तरीके से और जो तमाम फैसिलिटीज़ जो हमारे गांव के स्कूल में होती हैं शहर के स्कूल में होती हैं वो यहां पर लाजमी देनी चाहिए, ताकि बच्चे एक प्रॉपर माहौल में यहां पर अपनी स्टडी कर सकें और अपना जो मुल्क और कौम की जो मुस्तकबिल है उसमें अपना किरदार अदा कर सकें। हमारी रिक्वेस्ट है और ये हम इसमें भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तमाम जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं वो इस चीज़ पर फोकस करें, और यहाँ पर जो मुश्किलात हैं स्कूल के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, सेहत के हवाले से, पानी के हवाले से, उन पर ख़ास जो है वो अपना फोकस करें, दिलचस्पी लें और उनके मसाइल को हल करें। माशाल्लाह जी ये देखिए हाँ अच्छा माशाल्लाह जी आपकी मोहब्बत बच्चों के साथ जो है ना ये बहुत ही मिसाली है। इज़्ज़त भाई आप सफ़र करके आए हमारे पास, ये जो हमारा स्कूल है और ये यहाँ की जो कम्युनिटी है, मैं कहता हूँ कि पहले चुलिस्तान में जो पानी की प्यास हुआ करती थी जी बिल्कुल वो तो आप भी है, है। लेकिन पानी की प्यास के साथ साथ तालीम की प्यास भी थी थी बिल्कुल। तो ये गवर्नमेंट का एक अहम जो है ना और बेहतरीन उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है मोबाइल स्कूल का। मोबाइल स्कूल तो यहाँ बच्चे उनको पता नहीं था कि ये स्कूल क्या होता है ऐसे ही है और जो है ना किस तरह होता है। जब यहाँ स्कूल आया और बच्चों की किताबें देखी, नया माहौल देखा, अब अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि यही हमारे चुलिस्तानी जना पढ़ लिख कर आगे पाकिस्तान का नाम भी रोशन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैं चुलिस्तान की तरक्की के लिए
अपना किरदार अदा करेंगे। मेरा लिया है कि मैं इसमें आपकी बहुत ज़्यादा कुर्बानी समझता हूँ, बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप इतने दूर दराज आके यहाँ पर बच्चों को तालीम की रोशनी से रोशनास कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर है। और लेकिन इसमें आपकी कुर्बानी बहुत ज़्यादा है, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे और अल्लाह ताला आपको मज़ीद इस्तकामत दे, आपको तरक्की दे। जी तो आपके जो बच्चे हम ये कह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पे या इस तरह जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो इसके ज़रिए हमारी आवाज़ भी पहुँचाएँ हुकाम बाला तक और वज़ीर आला तक और जो हमारी ज़िले हुकूमत है उनको भी पता चले कि डीप डेजर्ट में किस तरह जो है बच्चे पढ़ते हैं और किस तरह ये स्कूल चल रहा है। बच्चे आए हुए हैं, इसमें बड़ी खुशी मुझे इस बात की हुई है कि सुबह दुनियावी तालीम से पहले यहाँ पर उनको दीनी तालीम दी जाती है, यहाँ पर कुरान मजीद की तालीम उनको दे रहे हैं। ये है टोबा भाला और ये है वो पॉपुलेशन जिसके लिए यहाँ पर मोबाइल स्कूल बनाया गया है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी तादाद है बच्चों की और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर एक सेटअप किया गया है स्कूल का।